तुमने तो कभी इतना महंगा मंगाया नहीं होगा, माइंड लेके एक बार हम ले आए क्योंकि व्लॉग बनाना था, बड़ा दिखना चाहिए, पूरे खानदान ने भी आई लो चक्के भी देखा गई दूसरों के बड्डों के अलावा देखे देखा गया कभी किसी को। तो वापस भाई अक्षित ना चैलेंज दिया किसे आसानी सकते हैं बोला मत भूखे जी रिसेप्शन वाले ने नंबर दे लो यार चेक सो ब्लेस हो गया ओ मर गए थे मगे ने को रख के जो स्केल तुम बोलो गांड से ही थोड़ी देर में उल्टी लड़की निपट रही भाई हमारे से तो निकल के यूं कह लूं छोटे छोटे भाग रही है मैं अच्छा लग रहा ना चाव है ऐसे करना हट जा टंगे हो मेरे दिनों की देख हाथ दे देख एक गुफा में ले जाऊं चप्पल देखो मिलेगी बारबी गड्ढ वाले खरीद लेना सारे सामान ढोल से खेल लिया अगर वही हाउस बनाया अगर कोई छोटे का प्लेट में चाय पिलाया कर वही जो पाल ले सारे यार देख कलर देख ले टी शर्ट का अरे तो ऊपर तो ये ग्रीन है अंदर पिंक पैंट पहन लिया अगर ऊपर तो वो भी नहीं दिखती आ जा नीचे आ जा कम ऑन चल आ गया चल बाय सरसों का बाग ये है गांव के ओय रूम्स इधर भी कहीं बढ़ जाओ बब्बर के ओय रूम्स थे नहीं यार बब्बर तो बेचारे बड़े आदमी थे गलत बात नहीं करते कभी सपने मान लगे उनको साढ़े क्या आप बबला रहे पढ़ा लिखा के भी पढ़ा करा तुम मुख्योदी करो हमारे बारे में देखिए गांव भी देखिए मॉडर्न हो गए किसान जा रहे और ये हैं पशुओं की पोटी जोटे की पोटी जोटे की पोटी वाह भाई वाह ये तार तुम्हारी माँ के लिए लगा रखे खेत में आ जाओ कभी भी एकदम भागा जाता है ये इसमें से भागा भी नहीं जाता एकदम वही रूम से अगर छप्पा लग जाए यहाँ दूसरी तरह की पुलिस का लगे यहाँ ये हमारे ही है ना और ये भी हमारे ही है नाइस ब्रो अरे ये कौन सा पक्षी भाई ये वो है जो सी के पास पाया जा वो लंबी सी चोंच वाला बगुला है क्या है ये पता नहीं यार क्या बगुले तो सफेद हो अमेरिकन है कुछ ये नहीं है अमेरिका से आया हमारे खेतों के लिए और ये है खाल अगर ऐसा हो कि खेत ऐसा खाली हो तो तुम खाल में भी ओए रूम बना सको क्योंकि अगर खाल में लेट जाओ देख पकड़िए क्योंकि अगर खाल में तुम लेट हो गए मान ले यहाँ तो अगर तुम कुछ पुटाई पिटाई करोगे तो दिखेगा दूर दूर से लेकिन अगर तुम खाल में लेट जाओगे बिल्कुल प्यारे तरीके से यहाँ पे तो इसका जो लेवल है वो ऐसा है कि यहाँ पे दिख नहीं पाएगा ग्राउंड लेवल से नीचे है ग्राउंड से नीचे है यहाँ से पानी चला है तो यहाँ तुम मस्ती कर सकते हो और करते भी हैं लोग मस्ती जो भी हो रूम सपोर्ट नहीं कर सकते वैसे तो अब तो 100-200 रुपए में भी रूम मिलने लगे लेकिन खेत का अलग ही मजा है जब चूतड़ों पर ठंडी ठंडी हवा लग रही हो दूर से तो मजा है ब्रो इसके बीच में भी तो अगर किसी को मेरे से कोलैब करना है इस वैलेंटाइंस डे लेकिन मेरे खेतों में तो यू कैन डीएम मी फॉर पेड कोलैबोरेशन और मदन सिंह खेत में से इशारा करते हुए यही है लगा देना आ रहा जा घर किसान बॉय जिंदा हाउस गांव में कोई चलान नहीं कुछ नहीं अपने हिसाब से बाइक पहनते हुए ये भी सोच रहा हूँ बस ठीक है फिल्म बना रहा हमारी गांड तोड़ देंगे गांड नहीं तोड़ सकते ब्रो ये हमारा एरिया है मकबूल इज्जत है अपनी ये कोल्लू फिर से देख लो साइड से अच्छे से ये घर है ये इनके घर हैं ये मैली पैली खोई सब यही है तो जो अभी कोल्लू में जा रहा था ना वो शहर और गांव के हिसाब से बदल जाएगा गांव में कह जी थारे गांडे तो बहुत बढ़िया लेकिन शहर में लोग ऑफेंड हो जाएंगे वो सोचेंगे तुम्हारी गांड को बढ़िया बोल रहे हैं तो शहर में जाके बोलते हैं तुम्हारे तो गन्ने बहुत अच्छे हैं भैया और ये भाग है हमारा पीछे आम का नाइस और ये घर है परिवार में से ही ओ माय गॉड फुल हवेली वाइब्स बच्चे नहीं दिख रहे वरना यहाँ इस घर में एक बच्चा भी रहे तो मैं मिलवाता हूँ उससे असली पूरा
तुम्हें दिखाता हूँ गाँव का वातावरण कितना सेक्सी होता है। इधर घर, सामने ही खेत। वाह भैया, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है भाई। मतलब घरों के बीच में ही खेत तुम्हें, और ये फैक्ट है कि जहाँ पे खेत हो ना आसपास ऐसे, वहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर कम भी रहता है भाई। ठंड लगती है शाम वहाँ में, और सुबह के टाइम तो बहुत ज्यादा। इसे बताओ इसे क्या कहेंगे, तो टीलर हो गया। हाँ, पीक वाले वाला टीलर है, वाले वाला टीलर है। ये है रड़का, क्योंकि यहाँ पे सारी लड्डू फेल हो जाएंगी। गड़ुंचे पे, गड़ुंचे पे यही काम करेगा बड़े। थोड़ी सर थोड़ी कहीं से बने, सरसों से, सरसों के पेड़ है। ये है, वो कनस्तर। ये बताओ तुम, ये तो गोबर है, पहले भी दिखा चुके हो। ये तो तू बता रहा था, जोटे की पोटी। जोटे की पोटी, ये बोसे हैं, और ये क्या है, ये खाली घास खींचने को आ गया, कुट्टी की मशीन के। इनसे ही तो कटेंगे वैसे, दिखाने से। लेकिन जनरेटर, ठीक है, जिससे तुम्हारी माँ चार्ज होती है, देखने वालों की। ये तो सीढ़ी है, अभी चढ़ जाएंगे इस पे भी। ये तेल का ड्रम, डीजल तुम्हारी माँ के अंदर डालने के लिए। ये है बुस। अच्छा, ये मतलब ये तो थोड़ी है इतनी सारी। अरे पीछे भूस है, एक एक साल भरा भी तो था हमने। हाँ, इधर तक भर गया। ये है सरसों और साग, खाने के लिए, जो खाने के लिए बने ना, तो घर में लगाओ और खूब खाओ सर्दियों, जड्डो जड्डो खूब पाड़ो। हाँ जी भाऊ जी, कैसा लग रहा है आपको? किसान आंदोलन में जा रहे हैं। सिंधु बॉर्डर राकेश जी बैठे हैं ना वही हमारे गाँव के, जाना पड़ेगा भाई। तीसरी सब मतार देंगे, उसको ट्रॉली लगा के चढ़ा दूंगा इसे मैं, बांध लो। पूरा पनिशमेंट रूम तैयार कर रखा तुम्हारे लिए मैंने, आ जाओ। अलग अलग तरह के हथियार काट दिया जाएगा इससे। नाम लिख दिया किसका बेचारे का। ये प्लेसमेंट मिलेगी जॉब की, ट्रैक्टर पर चढ़े फिर जब भी। भाई पैसे बर्बाद कर 16-17 लाख रुपए घर वालों के, जब खेत में ही जाना तो यूं ही चले जाते। बच्ची सिविल इंजीनियर है हमारी, फ्रॉम नोएडा। ओ माई गॉड, खराब पानी आ रहा अभी तो। बताओ ये स्विमिंग पूल गाँव का, और ये एक और प्राइवेट कोठा है कपड़े वपड़े बदलने के लिए। यहाँ पर परम तो पूरा स्टाइल में वो करवा रहा है। परम यूं सोच रहा आज ही फॉलोअर बढ़ा लूंगा सारे, यूं कहेंगे लोग नुको इतना शांत लड़का कौन था भाई। ये पीछे भट्टा भी दिख रहा, लेकिन भट्टा काफी दूर है। देखो यहाँ हूँ असली गाँव, मतलब अब तो नहीं होता यार, लेकिन यहाँ कहीं को अंदर को बढ़ गया है। परम यहाँ को अंदर को बढ़ गई तो चले काम, आवाज आ जा, फसल हिलती नजर आवे। अब तो खैर कहाँ हुए हैं खेतों में, मदन सिंह जैसे तो करते हैं अब भी काम। मदन इधर आइए, उसके एक्सपीरियंस इधर आ। मदन से पूछ रहे, मदन सिंह यूं बता, इधर इधर तो खेतों में क्या क्या काम होगा इनमें। खुदाई हो, खुदाई हो, चुदाई भी हो। गंगा जल है, गंगा जल है, आग दिखाता है। बहुत कॉमेडी कर रहा तू मान। सुमित फोटोग्राफर इन द हाउस पे भी, ये वॉलपेपर विंडोज को बेचेगा ये, जब विंडोज 15 आ जाएगी। वैसे सुंदर आवे यहाँ से तो, देखो अगर वीडियो यहाँ से शुरू करी जाए यूँ। ये तो नाइट्रोजन है, क्या बता रहा था, नाइट्रोजन गेहूँ को लंबा चौड़ा और मोटा होने में हेल्प करे। तो ऐसी नाइट्रोजन तो भाई हमें भी चाहे। पिपल का पेड़ है, चूतिया बना हुआ है भाई। दोपहरी में कौन आवेगा, भूत ही आवेंगे फिर यहाँ। नहीं पिपल के पेड़ दिख रही जानो, इसके नीचे क्यों नहीं सोते रात को, क्यों कीड़े मकोड़े आवे? नहीं ये ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करता। अच्छा पीपल, अरे वो बेचारा बदनाम कर दे, भूत आवे छड़ावे घूमे। हम भी दोपहर में खड़े, हमारी तो चप्पल निकट के गिर गई इम्पोर्टेंट बात करने से पहले। अच्छा मैं यूँ कह रहा था, अभी भी मैंने एक ब्लॉगर की वीडियो देखी, उसने वो डाल रखा था कि गांव में लेगिंग पहनने पे लोगों का रिएक्शन। तो भाई ऐसा कुछ है कि गांव में आजकल लोग जींस या लेगिंग नहीं पहनते आजकल? मैं तो स्कर्ट में भी देखूँ, जो लोग शहर में रह रहे हुए तो गाँव में अपने घर कुछ ही पहन के आ जाना। कोई नहीं ऐसा तो, कोई बाउंडेशन नहीं, तो दिमाग की बाउंडेशन। आजकल तो औरतें आदमी को पिटते हैं यूं कह, नहीं तो मिसोजनी है गाँव में। जितने यहाँ के आदमी अपनी औरतों से डरे हैं, माओ से डरे हैं, कोई डरता भी होगा। गाँव में लोग जींस नहीं पहनते,
मदन खुद पैरों खड़ा डीजल की जींस लोअर पे रहेगी लो ले लोअर भी पहन रहे हैं तनु यार कैपरी पहनने सब चीज पहनने भाई मदन खुद जींस पहन के कितों में बढ़ रहा था अभी यार तुम क्या बात कर रहे हमारे साथ सबसे बड़ा टास्क है गाड़ी मांगना पापा से मम्मा से किसी से भी क्योंकि हमें सिकदड़ हमें कोई अपनी गाड़ी नहीं देता आधा घंटा पहले प्रैक्टिस करी गई कि गाड़ी की चाबी कैसे मांगे सूखी ब्रो अब जा रहे हैं फोन चार्ज करके अपना बाबू से बात भी करनी ना अभी हम आए हैं खेत का भ्रमण करने और साथ में अपनी अपने फोन चार्ज करने गाड़ी से ना क्योंकि बाबू से बात करनी है ये है इंटो का भट्टा ये यही बना है ईंट और मॉडिफाई भी हो जा नाम कोई नाम लिख लो तुम कोई इलम सिंह पितम सिंह या अपनी महबूब का नाम प्रिया लैला ये वो फलान डिमकान सब और ये है रजवाया पहले इसमें ही पानी छोड़ जा रहा था नहर से सरकार छुड़वा देती और लोग अपने खेत बल रहे थे अब तो खैर ये सूख जाए इनका पता नहीं रूटीन भी क्या है अब तो लोगों ने ट्यूबवेल लगा लिया है वो रही ट्यूबवेल जो ट्यूबवेल से यहाँ पानी आया और यहाँ से खाल में गया और खाल से खेत में गया है मदन ऐसा ही है नहीं पहले कुएं हुआ करते थे अब तो गैर समरसेबिल ही है लड़ाई झगड़े में यो काट दें कोई किसी होगा यो नीचे उतर जा बेचारा समरसेबिल नुकसान हो जाए उसका और ये बसंत सिंह अगला तो लीगल नोटिस यही भेज करेगा लॉयर बनने वाला है और उधर नाना जी आ रहे खैर नाना जी कभी कैमरे पक तो इन कहना होगा देख लो तो खड़े यहीं अब बताओ सनसेट हो रहा है कहाँ ऐसा माहौल है यार शहर में कहने को घर है शहर में लोगों के 2 BHK 3 BHK बताऊं तो हमने जो स्टूडियो अपार्टमेंट बना रखा वो भी 3 BHK है पर जब गांव में आए हैं गांव में तो बिघे के नीचे बात ही नहीं होती एक बीघा 1000 कुछ गज का हो तो एक बीघे का घर 2 बीघे का घर वहां बहन चो वहां वैसा असली ना दूर दूर तक कोई बंदा ना बंदे की जात रात को शाम को थोड़ा बहुत डर तो हो जाए कमी लोग आवे दिन दिन में आवे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कोई डर नहीं है बट्टे पा लोग बैठे साले गांव बदनाम ना करे तू मदन सिंह का टैलेंट अब देखिए भाई कैसे तारेगा जय साइकिल पे से फावड़ा चूत रहा हूँ नोट जैसे